चलिए अब 20 मिनट शांति से सुनना है, ठीक है ना? लिखना उखना नहीं है, बन गया अच्छी बात है, नहीं बना शांति से सुनो लक्ष्मी और आरा बाबू। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो अलजेबरा का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, यार अलजेब ठीक है, ऐ शैताना शांत रहे विक्रम, अलजेबरा का मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं ना, तो प्लस प्लस वाला क्वेश्चन देखो मान लो, यहाँ भी प्लस रहता है यहाँ भी प्लस रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग माइनस वाला करेंगे, इसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे तो हम लोग किसका पढ़ लेंगे बाबू, है ना, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, है ना, ट्राइनोमियल के साथ। पहले इसको शांति से समझना, उधर क्या देख रहे हो इसका नेक्स्ट बाबू, आपको बोले तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, इस 3x को ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों टर्म के साथ 3x और कितना -2, ठीक, मतलब 3x को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक सर, यहाँ -2y है तो यहाँ माइनस लिखना, -2y है माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना, है ना, ये वाला माइनस, यहाँ 2y है 2y लिखना, -2y को मल्टीप्लाई करो इसके साथ 3x-2y के साथ, है ना, ठीक बोला, नेक्स्ट बाबू समझो, इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना, ठीक लिखा हुआ है, कलर चेंज कर देते हैं, -2y है और कितना है 3x-2y, ठीक, नेक्स्ट बाबू, रोशनी रोशन कीजिए, बोलिए रव्या बाबू ऑन करो, अभी इसके बाद क्या करेंगे, 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 3x के साथ, 3x-3x, बीच में माइनस है ना तो माइनस दो, 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2y के साथ, ठीक। अब यहाँ माइनस से हमको डर लगता है, तो माइनस से अगर डर लगता है बाबू, शांति से यहाँ समझना, यहाँ बहुत सारे तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने का, -2y को मल्टीप्लाई कर दो 3x के साथ, फिर -2y को मल्टीप्लाई कर दो -2y के साथ, अगर डर लग रहा है हमको नहीं समझ में आता, सिंपल सा जो तरीका आपको बताया, माइनस को कहाँ भेज दो, ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारे का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो एक लाइन और एक्सपेंड कर दो, तो माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, 2y हो गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, मैं प्लस बचेगा, ठीक, समझा समझा नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 के आगे प्लस है नहीं कुछ साइन है, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3x हो गया, और ये प्लस है साइन ब्रैकेट, निगेटिव को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, नेक्स्ट, अब उसके बाद ऐसा का पढ़ाई के नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 3 3 जा कितना 9 हो जाएगा, एक्स एक्स जा कितना 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 3 2 जा नंबर को नंबर के साथ करना, 3 2 जा 6 और एक्स बाई कितना हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा, प्लस, शांति से समझते चलना, बाद में लिखना, 2 बाई को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -3 के बाई, -3x, मतलब 2 बाई मल्टीप्लाई कितना, -3x, 2 बाई को माइनस है ना तो माइनस लिखेगा ना, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस दो, 2 बाई को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2 बाई के साथ, 2 बाई मल्टीप्लाई 2 बाई, है ना, समझते चलना समझते चलना, ये विक्रम वीडियो ऑन करो जी, नेक्स्ट, ये सबसे आसान वाला, ये सबसे आसान कुछ नहीं है, ये सबसे आसान कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, नेक्स्ट बाबू, 9x² 6x² और प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों लाल वाला के आपस में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना, नंबर को नंबर से 2 मल्टीप्लाई 3 कितना 6, अब 2 मल्टीप्लाई x कितना 2x, एक ये दोनों मल्टीप्लाई में एक कितना निगेटिव साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन में लेकिन एक ही बार निगेटिव साइन है तो एक बार जी रहेगा सर तो कुछ माइनस बोल हो रहे थे जाएगा, सर। सर वीडियो ऑन करो जी, कितना होगा माइनस होगा, वो मैं गया था। नेक्स्ट बाबू, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, अब 2 बाई कितना 2 स्क्वायर, ठीक, नेक्स्ट सीखना, अब जो लाइक टर्म है उसको एक जैसा करो, तो 9x² ये 6x/2x, तो 2x लिखो चाहे x y, दोनों लाइक ही टर्म है ना, ये दोनों क्या मेरा लाइक टर्म है, कि x बाई यहाँ भी, x बाई यहाँ भी, तो -6 -6 पढ़ा है, -6 -6 कितना -12, सर मेरे पास उतना जगह नहीं है लिखने के लिए 4y² है ना, सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, 9x² - 12xy प्लस 4y² लिखिए, सर विक्रम नहीं जी सर मेरे लिखिएगा, पास इतना जगह अगला पेज में लिखो, तो अगला पेज में लिखो, कहाँ सर घूम रही प्लीज लक्ष्मी, छत पे घूम रही बाबू,
तो कॉपी लेकर नहीं छत पे बैठे। देखो अभी बाबू समर सीजन है तो आप लोग छत पे टेरिस पे जाइए, कॉपी लेके जाइए, आराम से छत पे बैठ के पढ़िए, घूमने की जरूरत क्या है। गर्मी है बाबू रूम में, आपको ह्यूमस लगेगा, छत पे जाइए या कहीं पार्क वगैरह है तो आराम से बैठ के पढ़िए कहीं शांति से। इतना गर्मी में रूम में, इवनिंग का क्लास है बाबू, इंजॉय वाला क्लास है, इंजॉय करते हुए पढ़ो। ऑन करो बाबू विक्रम, शैतान विक्रम वीडियो वीडियो ऑन कीजिए जी। रोशनी कैमरा डाउन करो बाबू, रोशनी आराम से बैठ कर पढ़िए बबू। लक्ष्मी नहीं है बैठने का व्यवस्था, लक्ष्मी चेयर वगैरह नहीं है छत पे बबू। लक्ष्मी सर अभी नीचे जा रही, नीचे जा रही है सही था। जल्दी लिखिए तीन क्वेश्चन मन से। ए विक्रम क्या कर रहा है जी? सर बाबू आपको भगा देंगे तो। शैतान म्यूट करो बाबू, क्लास डिस्टर्ब होता है। सर सुनिए तो। नहीं सुना, म्यूट करो सर, पहले सुनिए। वीडियो ऑन कीजिए, म्यूट कीजिए। जल्दी लिखो बाबू, तीन चार क्वेश्चन मन से समझना है ना, आराम से आ जाएगा समझ में। सर आप मुझे पहला समझा सकते हो? पापा का कॉल आ गया तो मैं बात करने चला गया था। अगला क्वेश्चन समझाते उसमें समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, वो क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है क्या? सर मेरा सेम आंसर आया है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, इरेज कर रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 508 नो सर, सर थर्ड नंबर से मिटाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो बाबू। नेक्स्ट समझना, ये समझ गया ना वो, ये सबसे आसान वाला, इससे आसान कुछ नहीं है। थोड़ा सा मन से पढ़ना है सर, अभी जहां दिक्कत होता है वहां पूछिए बाबू। सर अभी को था अगला क्वेश्चन क्या है सर? यहाँ माइनस था सर, यहाँ भी माइनस। सर उसका सेकंड मेथड, सर उसका सेकंड मेथड, सेकंड सेकंड मेथड ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे कर लेना है ना। सर तो नेक्स्ट समझो, जाएगा सर? हां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 508 में क्या है सर? यहाँ तीन गो माइनस है और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चार गो माइनस है। क्या चार गो माइनस है? तो माइनस से डरना नहीं है, माइनस से डरना नहीं है, देखो कैसे करना ठीक है ना। कैसे करेंगे सर? डर लग रहा है, डरना नहीं है, शांति से सुनते चलना, जैसे स्टेप सीखे उसी स्टेप को फॉलो करना। डर के आगे जीत है सर। थ्री एक्स को इसके साथ, थ्री एक्स को किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई? इस टर्म के साथ, माइनस थ्री एक्स माइनस टू बाई, ठीक हो गया। फिर माइनस टू बाई को इसके साथ पूछो है जी, देखो ना दमासान है। माइनस टू बाई को मन से पढ़ना, नैतिका राजनंदिनी, टू बाई को माइनस थ्री एक्स के साथ माइनस टू बाई के साथ है ना। हाँ खाली ए विक्रम म्यूट करो, खाली बाबू डरा दिया गया है क्वेश्चन देख के, दम कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, खाली देखने से डर लगता है ना। आसान है, कलम चलाओगे आसान होगा। थ्री एक्स को किसके साथ? माइनस थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स, अरे ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो। फिर थ्री एक्स को किसके साथ? माइनस टू बाई के साथ, तो प्लस थ्री एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू बाई, इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है ना, तो प्लस थ्री एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू बाई, लाल वाला लाल में करते हैं। अब यहाँ पे हमको डर लग रहा, डरना नहीं है, माइनस कोई ऐसे इतना रहा ना तो अंदर कहाँ, ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाओ। माइनस को क्या करो, ब्रैकेट के अंदर लेके चल जाओ, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस बचेगा, माइनस चल जाता तो प्लस छोड़ देता है ना, ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस बच जाएगा, टू बाई हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारे का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो माइनस थ्री बाई कितना हो जाएगा? प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस टू बाई हो जाएगा है ना, ठीक।
अभी किसी नंबर के आगे प्लस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, आपके मन है, लेकिन यहाँ पे प्लस जरूर ही होगा। शांति से समझते चले, दमसान वाला है, कुछ नहीं दमसान वाला है, सर अभ्या मन से पढ़ना बाबू, ठीक। इसके बाद क्या बताएं, मल्टीप्लाई करे बताएं, 3x 3x, तो मल्टीप्लीकेशन में एक को निगेटिव साइन है ना, है ना, तो एक को निगेटिव साइन माइनस होता है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना 9, आई एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में दो गोटर मल्टीप्लिकेशन में सर एक को निगेटिव साइन है तो माइनस होगा, माइनस हो गया, 3 2 जा कितना 6, एक्स बाई एक्स बाई, यहाँ पे आ जाओ लाल लाल में आ जाओ, 2 बाई 3x, तो प्लस 2 बाई मल्टीप्लाई कितना 3x, है ना। प्लस साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, माइनस रहता जरूर देते हैं। फिर बाबू 2y के साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई करो और 2y के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, तो प्लस 2y मल्टीप्लाई 2y, है ना, 2y के साथ 2y के यहाँ हो गया, यहाँ प्लस है ना बाबू, 2y 2y के साथ इसको 2y मल्टीप्लाई करो ना, 2y मल्टीप्लाई कितना 2y, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस यहाँ दे दो, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब इसमें कुछ है, काला को काला के साथ करो, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x बाई, आज 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 6 बाई x हो जाएगा, और 2 2 2 2 जा 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा। आई आपको बताए थे जो लाइक टर्म होता है, ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, ये वो x बाई बाई x दोनों लाइक है टर्म, है ना, वेरिएबल सेम पावर सेम लाइक टर्म, एगो प्लस एगो माइनस तो मर जाता है, प्लस माइनस क्या होगा मर जाएगा, तो क्या रिजल्ट बचेगा, माइनस 9x स्क्वायर आप प्लस 4y स्क्वायर, है ना, तो ये आपका रिजल्ट बचेगा, लिखो सर। हाँ बोलिए सर, आपने जो माइनस 2y को ब्रैकेट के अंदर लेके गए थे सर, मैंने उसे लेके नहीं ब्रैकेट के अंदर नहीं लेके गए थे, तो सर मेरा तो दूसरा आंसर आ गया, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस प्लस वाई 4y स्क्वायर। इसीलिए ना आपको बोल रहे बाबू, माइनस आपका रिजल्ट सही आता लेकिन गड़बड़ कर दोगे माइनस प्लस में, आप मैथ में सबसे ज्यादा बच्चा का होता प्रॉब्लम माइनस प्लस में, है ना, तो आप यहाँ माइनस नहीं लेके गए होगे बाबू, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 से साथ, तो यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना माइनस 2 के साथ तो प्लस हो जाएगा, नहीं भी लेके जाओगे है ना तो 6 से आ जाएगा। ये आपको जो तरीका बताया एक तरीका पे अडिग रहिए उसी को फॉलो कीजिएगा बार बार, तो आपको हैबिट में आ जाएगा, है ना। आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं की होगी, माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई नहीं की होगी, जैसे यहाँ माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 होगा, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह से किए। नहीं समझा बाबू विक्रम, तो बोलेगा समझ गए क्या? नहीं समझा सर। हाँ बोला क्यों यहाँ डाला ना, लिखो जल्दी से सर, तो फिर गलत है, समझा दीजिए ना सर, मैं कितना गिनती करूँ, हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूँ। आप फेयर काहे नहीं भेजते विक्रम बाबू, बहुत पिटेंगे आपके मम्मी से बात करते बाबू। सर मतलब जो भी लिखाते बाबू क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं उसको फोटो खींच के भेजना रहता है सर, ये जो आप लिखे उसको भेजना है मुझे। हाँ तब क्या रुकिए सर, मैं बना के भेजता हूँ आपको। आप भी नहीं बाबू, क्लास क्लास में जो भी होमवर्क वगैरह देंगे। अच्छा सर होमवर्क भेजना है सर, पर होमवर्क तो मेरे को, आप मेरे को होमवर्क ग्रुप में दे सकते हैं, बोर्ड पे देते हैं ना बनाने के लिए DIY बाबू। सर आप मुझे बोर्ड पे भेज सकते हैं, नहीं तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे, नहीं पर्सनल पे भी। अगस्तिया अब्सेंट है बाबू, कहाँ गया बाबू स्वर्ण अगस्तिया? सर पता नहीं। स्वाति है रोशनी कौन सा नशा, विक्रम म्यूट कर बाबू, बहुत हल्ला करता है। श्वेता सालनी बाबू, श्वेता सलोनी, लिख ली लक्ष्मी, सर मुझे DIY भेजना, ये जो आप बोर्ड पे लिखवा रखे वो भेजना है।
सारा बाबू सारा भेजना, हम आपको कॉल करके बता देंगे, ठीक है ना? आप टेंशन मत लो, पहले जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। ठीक है सर, मैं कल से आपको भेजना चालू कर दूंगा सर। अभी मेरे घर में सर बहुत काम लगा हुआ है ना, मेरा सामने घर पेंट हो रहा है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो, ठीक। देखो यहाँ चार गो माइनस है सर, तब तो हमको हालत खराब हो गया है ना, यहाँ चार माइनस है सर, है ना। क्वेश्चन सारा एक ही है, सिर्फ क्या टेंशन है, माइनस का माइनस का माइनस का, है ना, माइनस का। तो एक तरीका बताए हैं, उसी को पकड़ के रखो। कुछ क्वेश्चन में वो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वो सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी दो को माइनस है, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस हो जाए, बाहर निकल जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू समझना है इसको कैसे समझाया जाए, है ना, कि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। देखो चारों जगह माइनस है, कितना बाबू, चारों जगह माइनस है, ठीक है ना। ठीक, अब चारों जगह माइनस बाबू, तो पहले जैसे आप लोग सीखे हो उसी तरह से सीखने की कोशिश करो, जैसे आप लोग सीखे हो ना उसी तरह से। माइनस थ्री, क्या बोले तनु, म्यूट कर दे तनु, म्यूट करो बाबू। सीखो, देखो कैसे सीखना, जिसको नहीं समझ शांति से सुनना, लिखना नहीं है, शांति से सुनना। इस तरह जो स्टेप्स बताए ना उसी को फॉलो करना, बार ऐसा रव्य वीडियो ऑन कीजिए बाबू, सरव्या अगेन एंड अगेन, सरव्या टेंशन नहीं लेना सरव्या, आप मेरे सबसे तेज बच्ची बनोगी। आपको क्या बताएं, ये जो माइनस थ्री वाला टर्म है, शांति से समझते चलना, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ, इसका पहला टर्म ई दोनों वाले के साथ, तो ब्रैकेट में इस टर्म को लिखो माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई, है ना। ठीक बाबू, जितना पीछे वाला पढ़ा है उसको खाली याद होना चाहिए, मन से पढ़ना नहीं, देख राजनंद ने, फिर माइनस टू वाई है, ये माइनस थ्री में इंटू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नो सर उसके बाद, हाँ लिख रहे हैं लिख रहे हैं, माइनस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई किए इसके साथ, है ना, माइनस थ्री एक्स को इसके, फिर माइनस टू बाई है, माइनस क्या है, टू बाई है, माइनस है तो ये वाला माइनस क्या देना, यहाँ पे देना हमको, इसको टर्म को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसका आगे क्या माइनस टू बाई है, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस थ्री एक्स माइनस टू बाई के साथ, अरे शैतान यहाँ माइनस थ्री एक्स को ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर, जैसे प्लस में किया है ना उसी तरह यहाँ भी करना, अंतर क्या थोड़ा सा माइनस वाला नोट, माइनस पे जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आसान हो जाएगा, है ना। माइनस थ्री एक्स था सर, माइनस थ्री एक्स था, माइनस थ्री एक्स को ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जैसे प्लस में किया, फिर माइनस टू बाई है तो माइनस टू बाई को मल्टीप्लाई किया ये दोनों टर्म के साथ। अब आपको क्या बताएं, यहाँ बहुत सारा माइनस है सर, हमको पसेना छूट रहा, एकदम डर लगा, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, जैसे स्टेप्स बताए उसी तरह सीखना है ना, ठीक है ना, उसी तरह से सीखना है स्टेप्स में, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू रोशनी, क्या बताएं, यहाँ माइनस को क्या करो, ब्रैकेट के अंदर, सब जगह माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर लेके चल जाओ, है ना, इस निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके चल जाओ, है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या सारा प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे नहीं कुछ बचेगा तो क्या बचेगा, प्लस लिख सकते हो, नहीं कुछ बचेगा तो प्लस, तो किसी भी नंबर के आगे प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना, अभी आप लोग बच्चे हो तो सिखा रहे हैं, सीखो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जैसे माइनस जाएगा तो सारे का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस टू बाई। स्टेप बाय स्टेप जो सही है, एक स्टेप को फॉलो करोगे ना तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, अभी थोड़ा बच्चा हो, ये सब जब थोड़ा और बड़े हो जाओगे ना तो आगे आपको एकदम शॉर्टकट तरीका में मल्टीप्लाई करेला बताएंगे एकदम एक लाइन में, लेकिन अभी आप लोग सीखो, थोड़ा सिखाने की कोशिश करना है ना, फिर हम लोग हवा में बात करेंगे, है ना, डायरेक्ट उड़िया देंगे, है ना, पहले सीखेगा तब ना। नेक्स्ट, यहाँ भी माइनस है तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, तो ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा,
प्लस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा टू बाई आई अंदर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, अंदर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप खाली सीख रहे हैं सर। अभी इधर देखिए बाबू, बाद में लिखेगा, लिखने का टाइम देते हैं ना। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, अब ऐसा इनका वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया, मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ। यहाँ प्लस देख के हम लोग को डरना नहीं है, ये किसी भी नंबर के, किसी नंबर का किसी भी नंबर के आगे बाबू प्लस रहे चाहे नहीं रहे, प्लस रहे चाहे नहीं रहे ना, हमको टेंशन नहीं लेना, समझना, ये सबसे आसान वाला। तो यहाँ लिखो चाहे नहीं लिखो, नहीं सर रहने दीजिए सर, नहीं तो हमको डर लगेगा। ठीक है तो रहने दो। तो ये प्लस थ्री एक्स है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस थ्री एक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई देंगे थ्री एक्स देंगे, यहाँ प्लस है प्लस सिंबल दे दो, क्या फर्क पड़ता है। आप यहाँ प्लस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, है ना, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीखो। यहाँ भी प्लस है तो ये वाला प्लस यहाँ दो, फिर प्लस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, टू बाई के साथ। तो ये हो गया प्लस, यहाँ प्लस थ्री एक्स हो गया, मल्टीप्लाई किए किसके साथ, टू बाई के साथ, है ना। ठीक ठीक बोला, मेरा मन कर रहा है सर प्लस देने का, दो चाहे नहीं दो, मन कर रहा है देने का तो दे दो, ये आप पे डिपेंड है। नेक्स्ट वाला रेड कलर सर, नहीं भी देंगे तब भी ठीक है, टू बाई है, टू बाई को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स के साथ, टू बाई प्लस था प्लस लिख दे, टू बाई मल्टीप्लाई कितना, प्लस लिखना है तो लिखो थ्री एक्स, फिर वो टू बाई को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू बाई के साथ। शांति से समझना एकदम, ये सबसे आसान वाला मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस टू बाई तो प्लस टू बाई लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना। नेक्स्ट बोला, अब देखो मल्टीप्लाई है, दो गो प्लस है, तो प्लस कई बार मल्टीप्लाई में रहता, हमेशा प्लस होता है, झंझट हमको माइनस में होता है, माइनस दो बार चार बार आता तो निगेटिव है ना, उसमें झंझट होता। प्लस मल्टीप्लाई क्या होता, प्लस ही होता। तो थ्री, अब इसमें क्या करो, नंबर को नंबर के साथ, तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना, नाइन, और एक्स मल्टीप्लाई एक्स बताइए कि एक्स स्क्वायर होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, तो जनरली नहीं लिखा जाता है। यहाँ नंबर को नंबर के साथ थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स और एक्स बाई ब्लैक वाला रेड वाला, थ्री मल्टीप्लाई टू कितना, नंबर को नंबर के साथ सिक्स और बाई एक्स, है ना। प्लस मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा, है ना, प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है, टू टू बाई है तो टू मल्टीप्लाई टू कितना, फोर, अब बाई बाई कितना, बाई स्क्वायर। इसमें देखो लाइक टर्म कोई है, हाँ सर लाइक टर्म तो है, ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म। तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स बाई प्लस फोर बाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हुआ। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझिए। सर आप हमेशा बोलते हैं कि अगले क्वेश्चन में समझिए, पर अब डन सर, सारे बच्चे को लिखने दीजिए, अगले क्वेश्चन में सिंपलीफाई होगा। समझी थोड़ा सा इस्ता, इस्ता? Yes, sir. अरे स्टेप बाय स्टेप खाली फॉलो करना बाबू, ज्यादा नहीं सोचना है आपको, जो सिंपल स्टेप है उसको याद रखो। हम लोग सर 500 क्वेश्चन कर चुके हैं। Yes, sir. थोड़ा सा समझी सर, अभ्या दादी, दादी जी समझी। Yes, sir. दादी दादी बहुत पिटेंगे जी बच्चा, दादी जी हम पहुँचाए सर, अभ्या बोले। Yes. बड़ी गोल गोल, वाह बाबू बहुत गोल गोल बात करती है, घर आ गई तो दादी, आ गई दादी, वाह बाबू, तो खाई आम। यस सर, अभी थोड़ा सा कच्चा है, अभी कच्चा है, अच्छी बात। सर मेरा तो पक्का हो गया, सारा पक गया, इतना धूप में बाबू आदमी पक जाएगा। जिंदगी जी रहा संकल्प, बहुत पिटेंगे बाबू, लिखो संकल्प। सर हमारा जवान तो कीड़े से भरा है सर, एक बात बोलू? नहीं बात नहीं बोलिए, पढ़ाई कीजिए आप, खाली बात बोलते हो, बात बनाते हो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझिए। इसमें दो हटा देते हैं ना, दो अभी हटा देते हैं, वो और समझा देते हैं, दो अभी बात वाला, इसमें दो बात वाला करेंगे, है ना, अभी ऐसे कर रहने देते हैं।
अरे शैतान दो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, अभी बाद में हम लोग अभी बच्चा वाला बना ही नहीं था, अभी बना। अच्छा ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है, नीचे से डिनोमिनेटर से हटा दो, ठीक है ना, और समझो शांति से। अच्छा ठीक है, हाँ डिनोमिनेटर वाला खाली डिजिट हटा दो। x square minus 34 by 15 xy plus y square से आंसर था, गलती आंसर था सर। हाँ बाबू क्या करना है, क्लास का टाइम थोड़ा आगे कर सकते हैं? आगे बाबू तो फिर आगे वाला टाइम कहाँ जाएगा? हाँ सर, साढ़े सात बजे करनी थी ना, मम्मी आपसे बातें कर रही है सर, 8 बजे से। तो 8 बजे वाला फिर बच्चा कहाँ कैसे जाएगा, वो सब साढ़े 9 बजे तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? 7 बजे से कर लेगा वो लोग सर, इतना सर दिक्कत होता है। अरे इतना बच्चा को दूसरे टाइम में शिफ्ट करना बड़ी समस्या, वो कोई ना कोई किसी के ना किसी के साथ समस्या ही होता रहता। ये टाइम तो सही है, सही बात बोली वो वाला क्वेश्चन एक बार बना लेती थी। बताते 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 बताते, पहले सीखो बाबू उसके बाद बनाने लग देंगे, पहले सीख। देखो बाबू जिसको नहीं समझ में आया 510 वाला में समझो क्या करे, देखो आसान वाला, सबसे आसान वाला है ना, ये सबसे आसान कुछ नहीं है। 510 मन से पढ़ना संकल्प शैतान, 3x - 5/2x - 5 2/। ठीक, देखो बाबू 511 से ले दे दीजिए, पहले शांति से समझो, जिसको नहीं समझ में आया शांति से सुनो समझो। हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 3x को ये दोनों टर्म के साथ, 3x को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये दो टर्म के साथ, 2x - 2y। वो जो नीचे वाला था उसको आप इरेज, आप उसको नीचे नहीं लिखे, नीचे स्पेस नहीं ना बचता इसलिए ऊपर लिखे। चीज बोल रहा था, अब बाद में बोला, पहले सीखो इसको। सर इसको 511 से दे दीजिए ना सर, डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला बाबू अभी थोड़ा सा सिखाएंगे, डिनोमिनेटर वाला थोड़ा सा हो ये कंफ्यूज, आप पहले इसको सीखो ना। तो मैंने लिख दिया है, यस सर लिख दिया सर, लिख दिया तो डिनोमिनेटर थोड़ा हटा दो ना जी, फिर सीक्वेंस ऑर्डर पर गड़बड़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर से हटा दो सर, पूरा आंसर काटना पड़ेगा। हाँ तो आपका पूरा आंसर ही गलत है, ठीक है ना, आपका आंसर गलत ही है। चलो अब सीखो शांति से, 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5/2 है, ये -5/2 ना, तो इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2x - 2y। ठीक, शांति से समझना। नेक्स्ट बाबू आप उसके बाद क्या करेंगे, 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x मल्टीप्लाई क्या 2x, यहाँ बीच में माइनस है ना तो माइनस दो, बीच में माइनस है माइनस दो, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो 2y के साथ, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करो 2y के साथ। ठीक, म्यूट करो जे, किसका म्यूट है बाबू, 3x को किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, माइनस है माइनस दो, फिर अरे 3x को इसके साथ, फिर 3x को 2y के साथ मल्टीप्लाई 2y। चुप रहो, म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू अच्छा ठीक, ये -5/2 है ना, तो -5/2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ, इस -5 को किसके साथ 2x के, मल्टीप्लाई 2x। अब यहाँ आगे माइनस था इससे बाबू हम लोग जो तरीका बताएं उसी को सीखेंगे, है ना, उसी को पहले सीखेंगे, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। माइनस था बाबू तो हम लोग माइनस को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे, बचपन से यही करते आ रहे हैं ना, माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे, ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, 5/2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 के आगे नहीं कुछ साइन है, प्लस समझते हैं, तो क्या होगा -2x हो जाएगा, और 2 के बाई माइनस है तो +2y हो जाएगा, है ना। हाँ सर शांति से समझते चलो,
थ्री टू जैक मैम कितना पढ़ाइए, सिक्स पढ़ाइए, एक्स एक्स जा कितना एक्स स्क्वायर, थ्री टू जा कितना सिक्स एक्स बाई। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस टू एक्स के साथ, प्लस फाइव बाई ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई, माइनस टू एक्स के साथ, बीच में प्लस है प्लस, तो फिर फाइव बाई को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, टू बाई के साथ, अरे फाइव बाई को माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिखो, चाहे नहीं लिखो, फाइव बाई को मल्टीप्लाई करो टू बाई के साथ, है ना। नेक्स्ट बाबू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, सेकेंड लाइन में आपने जो फाइव वाई वाला जो लिखा है ब्रैकेट में वो आपने पहले ही क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, उसको आप पहले कर सकते थे ना, आपने बाद में क्यों किया मल्टीप्लाई सर। अच्छा ठीक, सीखो फाइव मल्टीप्लाई टू, फाइव मल्टीप्लाई टू कितना टेन, एक को माइनस है ना मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या देना, अरे ठीक है एक ही मल्टीप्लाई है ना माइनस में, तो क्या देना यहाँ माइनस देना, बाई एक्स हो गया, फाइव मल्टीप्लाई टू कितना होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, फाइव मल्टीप्लाई टू कितना होता है टेन होता है, ये हो गया बाई एक्स हो गया, प्लस टेन हो गया बाई बाई कितना बाई एक्स पर। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म, देखो लाइक टर्म कौन है, बाई एक्स एक्स बाई लाइक टर्म है, लाइक टर्म है ना जी, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस टेन, बचपन में पढ़ाएं जिसको दिक्कत हो, अब कहाँ खत्म हो गया भाई, माइनस सिक्स माइनस टेन माइनस सिक्सटीन एक्स बाई प्लस टेन बाई स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो, लिखो बाबू अरब ए उत्कर्ष, वीडियो ऑन करो जी, कहाँ गई लक्ष्मी, थोड़ा सा समझी लक्ष्मी, लक्ष्मी यस सर, हाँ बोले, हाँ होमवर्क बना के भेजना है बाबू, बहुत सारा बच्चा होमवर्क बना बना के नहीं भेजता है, ए शांतनी समझी बोले, हाँ जी बेटा लेट से कहा थी जी ने, हाँ सर समझी, हाँ होमवर्क बना के भेजना शांतनी, बहुत दिन से नहीं भेज रही हूँ जी, कितना दिन से नहीं भेज रही बोले सर, मैं क्लास आई कहाँ रही हूँ जो भेजूंगी, लिखिए बाबू अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया अगला, यही क्वेश्चन है सिर्फ खाली माइनस हम लोग चेंज करेंगे, ये वाला पैटर्न आप लोग सीख गए ना तो फिर आराम से बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन को, जो स्टेप्स है उसी स्टेप्स को सीखना है, या तनु वीडियो ऑन करो बोले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल, तनु वीडियो ऑन कर दीजिए, उत्कर्ष बाबू ऑन करे ऑन कीजिए सर, कोई आवाज किया ना भी, बहुत पिटेंगे थे बाबू शैतान, बिकना मैंने नहीं किया सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल, पहले ये वाला सीखो ना जी, आता अंतिम से लेट आता आपका अटेंडेंस हो कट गया, इतना लेट से आएगा तो क्या होगा बाबू, सर मेरा अटेंडेंस 12 तारीख एब्सेंट, मेरा लेट से आता है शैतान अंतिम से आता है, लिखो जल्दी से अगला क्वेश्चन बाबू, सर अगस्त को अटेंडेंस मिलेगा, अरे शैतान शांत रहो, दिख रहा है संकल्प बाबू, संकल्प दिखता है कि नहीं दिखता जी, संकल्प दिख रहा है बाबू, ये संकल्प यस सर दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू सेम क्वेश्चन 511, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो, मन से पढ़ना संकल्प, तो मैं अटेंडेंस नहीं काटिए सर, सुनाई दे रहा था सर, आए कई बजे हो सर, मैं तो आया था सर 2:30 में सर, पिछली बार सर अटेंडेंस टेस्ट में सर मेरा फुल मार्क्स आया था सर, फिर भी सर आप सर उस दिन मैं लेट आया था इसलिए सर आपने मेरा अटेंडेंस काटा था सर। हां नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या यही है ना, यही क्वेश्चन है, समझना शांति से,
माइनस यहाँ भी लगा दें, ठीक है। तो अभी तीन जगह माइनस है, कितना है, तीन जगह माइनस है ना, तीन जगह माइनस। तो इसे करेंगे जैसे सीखे, थ्री एक्स को, थ्री एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई है, तनु म्यूट करो जी, थ्री एक्स को किसके साथ, तनु वीडियो ऑन करो, इसके साथ माइनस टू एक्स माइनस टू बाई, फिर माइनस फाइव बाई है, सिर्फ खाली माइनस आपको सीखना, सिर्फ खाली आपको माइनस सीखना, माइनस फाइव बाई मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स माइनस टू बाई। अरे शैतान नंबर डिजिट कुछ हो दे दे, उरा से हमारा की फर्क पड़ता, माइनस है मैंने टेंशन है, तो उसी के लिए इतना तो मेहनत कर रहे हैं ना बाबू, ठीक। नेक्स्ट बोला, अब थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू एक्स है, तो थ्री एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये बीच में माइनस है ना, तो यहाँ माइनस दे दो, ये माइनस है माइनस दे दो, फिर थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, टू बाई के साथ, ठीक ठीक हो। यहाँ माइनस है बाबू, सारे माइनस है, तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा सर, ये फाइव बाई है, पहले सीखो ना जी, फाइव बाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो टू एक्स प्लस टू बाई, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस किसी भी नंबर के फर्स्ट टाइम में हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, लिखोगे गलत नहीं होगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब हमको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या है, थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू, या एक बार माइनस है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में निगेटिव साइन एक ही टाइम, दो गो टर्म है, एक बार मल्टीप्लाई है तो माइनस, निगेटिव साइन एक गो है तो माइनस देना, थ्री टू जा सिक्स एक्स 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 स्क्वायर, यहाँ माइनस है आगे माइनस दे दो, थ्री टू जा सिक्स एक्स बाई, फाइव टू जा टेन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो फाइव बाई मल्टीप्लाई टू एक्स, बीच में प्लस है, फाइव बाई मल्टीप्लाई टू बाई, यही होगा। नेक्स्ट, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स फाइव, फाइव टू जा कितना टेन बाई एक्स प्लस ट्वेंटी, टेन हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों लाइट टर्म है ना, बीच वाला एक्स बाई बाई एक्स लाइट टर्म है, एगो प्लस एगो माइनस है, कितना होगा नहीं तो एक बताओ बाबू, माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस टेन बाई एक्स कितना होगा जी, नहीं तो एक ऐसा था नहीं तो एक सर फोर, कितना, हाँ एगो प्लस एगो माइनस है फोर एक्स, म्यूट करो बाबू, किसका गाना बज रहा है, अब प्लस टेन बाई स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हो गया। लिखो जिसको समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो, लिखे बाबू, समझा थोड़ा थोड़ा आराम है, आराम समझा जी, अगस्त है वीडियो ऑन करो बाबू, तनु बाबू ऑन कीजिए, समझा संकल्प, शैतान तो दो दो सिस्टम काला, दो दो सिस्टम काला ऑन किया बाबू, एगो सिस्टम से कनेक्ट करो ना जी, सर पापा नेटवर्क चेक कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, चलो लिखो बाबू, सर आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है इसलिए सर, मेरा स्क्रीन ठीक दिख रहा है, वो ब्लर नहीं, कलर हो रही है, स्थानी समझी भोले सेट नहीं दे रही, चलो एक क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करो, तो बच्चा कौन अटेम्प्ट करता है, इसी में खाली आगे माइनस लगा देते 512, जल्दी से इतना सारा बताया ना, जल्दी से कौन बनाता है, क्वेश्चन सेम है, हाँ क्वेश्चन सेम है, मल्टीप्लाई करो तो इसको जल्दी से कौन करता नहीं करता, किसका किसका आंसर आता है, बोलो जल्दी से किसका कितना आंसर आता है,
इधर आंसर लिखते हैं। बोलो लक्ष्मी। सर 6x² स्टार्टिंग वाला पूरा बोलना है। बोलो बाबू शांतनी। शांतनी चल गई जी। कहा शांतनी? सिक्स सेट में जाके बच्चा से सत बाबू पीछा वाले। बताओ सब कछुआ जल्दी संकल्प। कौन बताता? इस्ता पास्ता लक्ष्मी। सिक्स प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स वाई प्लस स्क्वायर। शांत रहो, एकाएकी बोलो। बोलो स्वर। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन सिक्सटीन एक्स वाई प्लस टेन वाई स्क्वायर। बोलो बाबू क्या बोलता है उसको। बोलो सर। मैं बोलूं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई। हाँ एकाएकी एकाएकी सर। एक मिनट उसके बाद प्लस टेन एक्स वाई। अच्छा शैतान फाइनल रिजल्ट कूट देना पड़ेगा। फाइनल सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स वाई। अरे एक मिनट एक मिनट। टेन एक्स स्क्वायर। यस सर वही ऊपर वाला। मैं बोलूं? बोलो बोलो विक्रम। सर मेरा आंसर है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स वाई प्लस टेन वाई स्क्वायर। ठीक ये किसका यही आंसर है बाबू आप लोग का? आज तक गलत है बाबू। सर मेरा सेम जो नहीं सीखा है फिर से समझो। क्या बाबू शांतनी कहा पीछे रह गए बाबू हमारे बच्चा सबसे? बताओ शांतनी कैसे दिन दुनिया कटेगा बाबू? कहा जी कैसे बाबू नहीं हुआ शांतनी? शांतनी म्यूट करो जी। देखो नहीं हुआ। चलो सीखो बोली कैसे होगा बाबू शांतनी बताओ। जिसको नहीं सम... सर मेरा है 6x² प्लस 16xy प्लस 10y स्क्वायर। ठीक है आप सीखो। जिसको नहीं समझ में आया सीखो सीखो। इसका म्यूट करो जी। किसका म्यूट हो? म्यूट करो बाबू। अरे शैतान म्यूट करो ना जी। कौन है जी? ए विक्रम म्यूट करो। शैतान इन म्यूट रखता हमेशा। देखो बाबू इस्ता गलत आ गया भोली इस्ता। देखो क्या करना बाबू आपका काल इधर उधर लिंक पकड़ रही बाबू। एक लाइन में जैसे आपने बताया था माइनस को अंदर। हाँ तो माइनस तो फिर गलत कहाँ कर दी? देखो इस्ता 3x है। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो जो टर्म है माइनस टू एक्स माइनस टू बाई। ठीक बाबू जिसका गलत हुआ देखो आ जाएगा समझ में। फिर माइनस फाइव बाई है ये माइनस है ना तो माइनस फाइव बाई हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म के साथ माइनस टू एक्स माइनस टू बाई। हाँ बाबू माइनस थ्री था ना? अच्छा तीन वो था यहाँ माइनस था। चलो यहाँ माइनस था। यस सर यहाँ पर भी ट्वेल्व होगा। नहीं सर ट्वेल्व में था। अच्छा ट्वेल्व में था। चलो ठीक क्वेश्चन वही था माइनस था सात चार जगह माइनस था। ठीक नेक्स्ट बाबू। अरे की पापा थोड़ा सा पानी दीजिए तो। अब म्यूट करो। नेक्स्ट माइनस है ना? हाँ सर तो माइनस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ। पानी दीजिए ना। म्यूट करो ना जी सर। तो फिर 3x हो जाएगा सर। अब ये माइनस इधर जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे। ये साइन चेंज हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका भी साइन चेंज हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब ये फर्स्ट नंबर का आगे प्लस आएगा तो लिखो चाहे नहीं लिखो है ना? नहीं ये माइनस है तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस बचेगा। माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बचेगा। अंदर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है ना
तो ये माइनस इस नंबर का फर्स्ट नंबर है, तो इसका आगे लिखो चाहे नहीं लिखो, तो ये माइनस से प्लस हो गया, किसी भी नंबर का आगे नहीं लिखा जाता, प्लस हो जाता। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस टू वाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अब थ्री को मल्टीप्लाई करो इसके साथ। नेक्स्ट, थ्री एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स, फिर थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करना है। कहाँ गलत केस था, यहाँ तक सही थी बोले? यस सर, थ्री एक्स इंटू टू वाई, यस सर, ये तो सही था। नेक्स्ट, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फाइव मल्टीप्लाई टू एक्स, फाइव वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फाइव वाई मल्टीप्लाई। मैंने फाइव वाई नहीं लिखा, सिर्फ वाई लिखा है, सिर्फ फाइव लिखा है। हाँ तो गलत है ना कि बाबू, ये बाइबल लेटर में ना, तो बाइबल लेटर में तो ये बाई लिखोगे ना। नेक्स्ट बाबू, थ्री इंटू टू कितना, सिक्स एक्स स्क्वायर, थ्री इंटू टू कितना, सिक्स एक्स बाई, फाइव इंटू टू कितना, टेन बाई एक्स, अब फाइव इंटू टू कितना, टेन बाई स्क्वायर। ध्यान से बनाना, लाइक टर्म है सर, हाँ है सर, ये दोनों लाइक टर्म है। तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स बाई प्लस टेन बाई स्क्वायर लिखो। सही था कछुआ, कछुआ कहाँ गई जी, लीव कर गई बाबू, बहुत पीटेंगे। सही था बाबू कछुआ, मेरा सही था, ठीक है। अभी आपको चलो एक एक क्वेश्चन, अभी अभी कौन बोलता है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सर ना इसको बनाना अभी अभी तुरंत, माइनस कर दीजिए, क्या करें सर, ब्लर दिख रहा है, शेयर स्क्रीन कर दीजिए। अच्छा ठीक, जल्दी से बनाओ, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री बाई मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स पर माइनस फोर बाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जरूर जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो लक्ष्मी जल्दी सर, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स वाई प्लस प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वायर। अच्छा ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वायर। हाँ कछुआ बोलो बोले, एक्स स्क्वायर ट्वेल्व वाई स्क्वायर। विक्रम बाबू जी सर, उसको नौ बजे ज्वाइन होने कहिएगा। भाभी आ जाएगी सर, वसुधा बोल रही है ना कि वो ये क्लास नहीं करना चाहती, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा सब बोल रही है, उसका तबीयत भी खराब है सर, फीवर हो गया। चलो ठीक है, इसका जो आंसर आएगा बाबू सर, रुकिए सर, सर एक बात बोलना सर, डीआई हुआ है सर, ग्रुप में भेज सकते हैं, मेरा मोबाइल ओवरहीट हुआ है। अच्छा ठीक है, देखते हैं बाबू। मैंने पहले नहीं बोला सर, मैं लीव कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वायर, वेरी गुड। चलो आंसर ये आएगा, आया इसका नहीं आया बोली, फिर अच्छा दे रहे हैं फिर गड़बड़ कर दे इसका, सर बना रही हूँ। हाँ बाबू सिक्स में गई इसका, अब बड़ी हो चुकी है, अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बाबू, ये सब फोर ए फाइव का चीज है, आपको पढ़ाया नहीं जाता है। बाय सर। ए बाय सर, होमवर्क कौन लिखेगा, बाय सर। सर, हमें का मेथड हम लोगों को बनाना है।
लिख रहे हैं सर, मैं कल आपको होमवर्क भेज दूं सर। 9A है फर्स्ट नंबर में, 9A है सर। मैं कल आपको सिर्फ होमवर्क भेज दूं, मैं फेयर नोटबुक लेके नहीं आई, बस रफ लेके आई। अच्छा ठीक है। सर 513 का हम लोग को खुद से बनाना है। हाँ DIY है सर। 513 भी? हाँ इसको बनाना। सर वो 9A है ना? हाँ 9A है सर। इसको फॉर्मूला पे भी बनाना है। फॉर्मूला पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोली? कोई लाइक टर्म है बाबू? सेम टर्म है जो फॉर्मूला लगा अप्लाई करोगे। बाय सर। बना के भेजना लक्ष्मी। बाय सर। बाय बाबू। जो नहीं लिख पाए वो ग्रुप में भेज देते हैं। बाय सर। गुड नाइट। तेज हो जाएगा नैतिक? नैतिक कैसे हो जाऊंगा? कितना दिन में बाबू? सर 1 महीना। 1 महीना में कौन से क्लास में भी नैतिक? 5 में बाबू? यस सर। तो पापा जी 6-7 वाला नहीं बुक ला कर दिए हैं? दीदी वाला 6-7 का है कि नहीं है सर? है 7 तक का। हाँ तो 6-7 का बैठे रहते बनाए बुक। अलजेब्रा ओपन करना ठीक है ना? अलजेब्रा चैप्टर ओपन करना, उसमें 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, हर एक साल है। सर 9 में भी है, लेकिन थोड़ा सा और लेवल ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा जी सुन, ज्यादा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ठीक है ना? इतना सीख जाओगे तो 9 वाला अपने 50% बन जाएगा। बाय सर। बाय बाबू। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। मैं लिख रहा हूँ अभी।